Oh,
अवसर प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं नंदिता बिन अमीन साहिबा का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। कोई बातों का एक संजोग होता है कि जो एक विचार करने वाले और संगीत में एक ही क्षेत्र में होने के बाद जो संजोग बनता है, तो आज वो मैं जाहिर कर देती हूँ कि पंडित दीपक राजा साहब जो संगीत परंपरा का जतन संवर्धन और जो युवा पीढ़ी है उनके लिए खास तौर पर इस कला की परंपरा का पालन कैसे करना है वो हमेशा बताते आए हैं। और ये मैं निश्चित रूप से कहूंगी कि जो अभ्यासता पूर्वक किसी के बोल होते हैं तो सुनने वालों को वो इशारा बिल्कुल काफ़ी है और वो संगीत के इस कठिन रास्ते पर आसानी से चल सकते हैं। और उनका सारा श्रेय है दीपक जी जैसे बुजुर्गों को। और यहाँ मैं एक और उल्लेख करना चाहूँगी कि डॉक्टर श्रेयस मसरानी जी भी यहाँ उपस्थित है। वो दीपक राजा साहब के परम मित्र है और उनकी जो स्नेहता है वो संगीत से बहुत दृढ़ हो रही है। तो उनके भी ये संगीत प्रस्तुति में उनका भी एक योगदान है। फिर एक बार सभी का आभार और अभिवादन। खास तौर पर मैं कहना चाहूँगी कि श्री अनूप पुरोहित जोधपुर से हैं, संगीत की प्रस्तुति सिर्फ अकेले की नहीं होती है, हमेशा टीम जो होती है उससे ही वो बेहतर बनती है। संगीत साधना है, खैर वो जो कंठ साधना हो या संवादिनी वादन हो या तबला वादन हो या चाहे फिर भी तानपुरे पर साथ देने वाले हैं सभी कलाकार, उनके लिए हमेशा एक तप होता है, इसमें एक तपश्चर्या करनी पड़ती है। तो आप सभी का बहुत बहुत आभार। See you.